Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are here with the study plan related to CMA Inter Group 1 students. So for 50 days study plan we are here with, and this is for December 2020 attempt. You can follow it for any attempt, as this is 50 day plan for any attempt. So let's start. So first of all, in this 50 days you need to study for 8 hours per day. So accordingly, if we see 50 days 8 hours per day agar aap padhte hain to aapke paas 400 ghante hote hain. 400 ghante bahut hote hain aapke sare revise karne ke liye, sari cheeze acche se clear karne ke liye. Aur as we know that in group 1 CMA inter we have 4 subjects. So accordingly, ये 400 घंटे हमको ये चार subjects में अगर आप divide करते हैं तो आपके पास 100 hours होते हैं per subject के लिए, जो कि more than enough है, ठीक है? So we have paper number 5, 6, 7, and 8. Paper number 5 financial accounting, 6 law and ethics, 7 direct taxation, paper number 8 cost accounting. अभी भी बहुत time है, आप बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को कर सकते हैं. So ये 50 days को हम divide करने वाले हैं दो part पे. First होगा हमारा 40 days का, second होगा 10 days का. फर्स्ट 40 डेज को फिर आप दो पार्ट पे डिवाइड करेंगे 20-20 डेज पे. फर्स्ट जो 20 डेज हैं आपके, उसमें आपको करना है पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 7. पेपर नंबर 8 है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्सेशन. पेपर नंबर 8 में आपको क्या करना है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम द स्टडी मैट ओनली, ठीक है? सो ये जो फर्स्ट 20 डेज हम यहां पे अलॉट कर रहे हैं, इन 20 डेज पे आपको सिर्फ स्टडी मैट पे फोकस करना है, किसी भी और चीज पे आपको नहीं जाना है, ठीक है? सो स्टडी मैट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है वो सारे चीजों को क्लियर कीजिए. तो ये फर्स्ट 20 डेज आपको मिल रहे हैं, आराम से 20 डेज पे पेपर नंबर 8 पे फोकस कीजिए. हमने बोला हर दिन आपको 8 घंटे देने हैं, हर दिन 8 घंटे दे रहे हैं अगर आप, तो पेपर नंबर 8 के लिए ये 20 डेज में आपके पास हर रोज 4 घंटे होते हैं. तो ये 4 घंटे आप आराम से पेपर नंबर 8 पे फोकस कीजिए, कोई भी टॉपिक पे जितना भी डाउट आ रहा है सब कुछ क्लियर कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव पेपर नंबर 7. पेपर नंबर 7, अब यहां पे देखिए, पेपर नंबर 7 मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन. डायरेक्ट टैक्सेशन भी हमारा यहां पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्लस यहां पे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे हेड्स ऑफ इनकम, उनकी सारी चीजें क्लियर होना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम कीजिए, हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए. आप हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी. सो उन वीडियोस को देख के या फिर आप डायरेक्ट स्टडी मैट के थ्रू रिवाइज कीजिए. रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. पूरे बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे स्टडी मैट के अंदर ही, उन स्टडी मैट के क्वेश्चंस को आपको रेफर करना है विद वीडियोस इफ यू प्रेफर. नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट 20 डेज पे हमको क्या करना है, तो फिर हम दो सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे. पहले हमने पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 7 पूरा कंप्लीट कर दिया 20 डेज के अंदर. नेक्स्ट 20 डेज में विल प्रेफर पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 5. पेपर नंबर 6 लॉ एंड एथिक्स पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो प्रेफर कीजिएगा कि सुबह के टाइम पे आप पढ़ें. ज्यादातर ऐसे एग्जाम्स के टाइम पे ये प्रेफर कीजिएगा कि आप जल्दी उठें, और एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सुबह-सुबह पढ़ना बहुत अच्छा होता है. तो सुबह का टाइम अलॉट कर दीजिए 2 घंटा, फिर शाम का टाइम अलॉट कर दीजिए 2 घंटा, ऐसे करके पेपर नंबर 6 को आपको करना होगा. पेपर नंबर 6 में मेनली आपको फोकस करना है अंडरस्टैंड में, रटफिकेशन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज याद करके जाते हैं ना एग्जाम्स में तो वो चीज भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे वैसे ही अलग टेंशन होता है. तो रटने वाला काम आपको कुछ नहीं करना है, जो भी चीज आप कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करके अपने तरफ से लिखिएगा, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम्स में, पेपर नंबर 6 के लिए स्पेसिफिकली है ये, कि आप जब भी एग्जाम पे लिखें तो ये प्रेफर कीजिएगा, एज थ्योरी है तो जितनी चीजें आप पॉइंट्स पे लिखेंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा. तो प्रेफर कीजिएगा कि जो आपके आंसर्स हैं उनको आप पॉइंट्स पे लिखें और टू द पॉइंट लिखें. टू द पॉइंट मतलब आपको जाके वहां पे पूरा छापना नहीं, अच्छा बड़े-बड़े पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है? छोटे-छोटे पॉइंट्स पे जो टू द पॉइंट जो चीज पूछा गया उसके बारे में आपको वहां पे लिखना है. इसके साथ-साथ इसके लिए रेफर कीजिएगा स्टडी मैट, और आपने इतने टाइम हो गए हम पेपर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, है ना, आपको भी एप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने हो गए होंगे पढ़ते हुए. इन दैट केस आपने कुछ ना कुछ अपने नोट्स बनाए होंगे खुद की तरफ से, तो वो नोट्स को आप यहां पे रेफर कर सकते हैं पेपर नंबर 6 के लिए, क्योंकि आपके जो नोट्स खुद से आपके लिखे होते हैं उनसे आपको जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है. नेक्स्ट वी हैव पेपर नंबर 5, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा आता है, तो आपको मेनली फोकस करना है यहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे.
क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्टडी मैट को ही रेफर कीजिएगा, और साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन पे या फिर कोई भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो यू कैन रेफर द वीडियोज एंड नोट्स ऑफ सीएमए जंक्शन। सो अगर आपने नोट्स प्रिपेयर करके नहीं रखे हैं टॉपिक के तो उनके नोट्स भी हमारे अवेलेबल है, मैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लास्ट 10 डेज। ये लास्ट 10 डेज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 5-5 डेज के। फर्स्ट 5 डेज आप क्या करेंगे, एमटीपी और आरटीपी रिफर करना है आपको, ठीक है। सो ये जो एमटीपी आरटीपी आपको मिल जाएगा हमारे आईसीएमए की साइट से, और एल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी। सो एमटीपी आरटीपी आपको रिफर करना है फर्स्ट 5 डेज इन चारों सब्जेक्ट के लिए। क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि इनका जो है प्रिंट आउट ले लीजिए, आरटीपी का ले या ना ले एमटीपी का जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और इन एमटीपी का प्रिंट आउट सिर्फ क्वेश्चंस का लीजिएगा, क्वेश्चंस का प्रिंट आउट लो, ऐसा समझो कि आपको एग्जाम देना है, 3 घंटे के लिए बैठो उस पेपर को लेके और आप उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद क्या करना, आंसर्स को देख लो, खोल लो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी आपको प्रेफरेबल है वहाँ पे खोलो, और उसके बाद आंसर्स चेक करो खुद से। ये चीज करो, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि हाँ एग्जाम्स में किस तरीके से लिखना है, आपको टाइमिंग भी पता रहेगा कि हाँ 3 घंटे का टाइम है, हमको 3 घंटे के अंदर करना है। ये चीज जरूर कीजिएगा, आंसर्स का प्रिंट आउट लेके अगर आप करने बैठेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आंसर्स को देख लेते हैं हो गया बहुत है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 5 डेज जो है उसमें आपको प्रेफर करना है प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट में हमने एमटीपी कर लिया, एमटीपी पे मेन फोकस है मेरा, फिर आप चाहें तो आरटीपीज भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो है इनको भी रेफर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस पे भी सेम चीज आपको करना है जैसे एमटीपी के लिए करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आप अपने से कीजिए, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको आप सजेस्टेड आंसर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां से जाके सजेस्टेड आंसर्स पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा पूरा प्लान है 50 डेज का, जो कि आपको फॉलो करना है, सिर्फ 8 घंटे देना है, आप इससे कम पे भी ये सारी चीजें कर पाएंगे अगर आपने आज पहले अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये हमारा पूरा प्लान है, मैं आपको नीचे टेलीग्राम पे आपको ये पूरा प्रोवाइड भी कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक @CMAjunction यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @CMAjunction, और वहाँ पे मैं आपको ये पूरा का पूरा चार्ट दैट स्टडी प्लान फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो अभी अगर देखें आज से 53 डेज अप्रॉक्स आपके पास बचते हैं, तो मैंने आपके लिए 50 डेज का प्लान बनाया, तो 3 दिन आपके पास है, आप उनको भी और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और इस प्लान को बहुत अच्छे से आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो। हम ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए हमने स्टडी प्लान लाया, हम 2-3 दिन में आपके लिए ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए भी हम यहाँ पे आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्स हैं आपके दिसंबर 2020 पे, फॉर जून 2020 के भी एग्जाम्स अब दिसंबर में हो रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने प्रिपरेशन कीजिएगा, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।